उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसके चलते उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना नागपनी इलाके के तहसील स्कूल चौराहे पर भी सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया। मेरे साथ सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव कशिश वारसी साहब हैं। कशिश वारसी साहब, किस चीज़ को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है, क्या आज आपने किया है? दरअसल हमारा विरोध प्रदर्शन आज जो हुआ है, जो हमने पुतला फूंका है, वो जो CBI इंक्वायरी से घबरा कर और अब जेल जाते हुए दिखते हुए जब दिख रहा है तो वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, पागल हो चुके हैं। वसीम रिजवी ने ऐसी साजिश रची है जो देश को आग लगाने का काम कर रही है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि ये शख्स आज कुरान की बात कर रहा है, क्योंकि जो आदमी पागल हो चुका है वो कल कुछ भी कर सकता है, किसी और धार्मिक ग्रंथ के लिए भी कर सकता है। ऐसे शख्स को जल्द से जल्द जो है वो जेल का रास्ता दिखाएं और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और साथ में मैं ये भी अपील करता हूँ हर मज़हब के आदमी से कि ऐसे पागल शख्स का विरोध खाली मुसलमान या शिया ना करें, बल्कि हर धर्म का आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ऐसे पागल इंसान के ख़िलाफ़ एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमने देखा कल भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अमीरुल हसन जाफरी साहब हैं जो खुद शिया हैं, उन्होंने भी कहा कि वसीम रिजवी का सर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनके धर्म के आदमी हैं, उनके मज़हब के आदमी हैं, वो उनके समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हैं मुसलमान वो भी, लेकिन वो उनका वो अहले तशय्यु हैं, हम लोग सुन्नी वो हैं। दरअसल मैं भी हुसैनी हूँ, वो भी हुसैनी, सब ने ये बता दिया है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उसे सब ने ये बता दिया है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कत्ल करके उसके अजाब कम मत करो, उसे दुनिया में खुला छोड़ो अजाब के लिए। ऐसे शख्स का अजाब दुनिया को दिखना चाहिए कि इस शख्स ने कुरान की तौहीन करी थी, कुरान का अपमान किया था, दुनिया उसका हशर देखे, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो जब अल्लाह ने ली है तो अल्लाह उसको दुनिया के अंदर अजाब भी देगा, हशर में भी देगा। तो ऐसे शख्स को कत्ल करके कत्ल लफ्ज की भी तौहीन करना है। क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद की? मैं मुरादाबाद की आवाम से ये अपील करूँगा, और मुरादाबाद की नहीं बल्कि देश की आवाम से ये अपील करूँगा कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर ऐसे शख्स के खिलाफ शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील करें, इसके खिलाफ FIR कराएं और इसके खिलाफ मेमोरेंडम दें। कुल मिलाकर लगातार संगठनों की तरफ से सरकार से अपील की जा रही है कि वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।